सिल्डेनाफिल तथा वायग्रा जैसी दवाइयाँ जब आप लेते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल एडवाइस देना चाहता हूँ। आइए, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वायग्रा या सिल्डेनाफिल उन्होंने नहीं लेना चाहिए जिनको चेस्ट पेन है, सीने में दर्द है, हार्ट का प्रॉब्लम है। जो नाइट्रेट्स जो दवाई आती है वो दवाई ले रहे हैं तो उन्हें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर एकदम बहुत ज़्यादा डाउन हो सकता है और जान को खतरा हो सकता है। नंबर एक। नंबर दो, वायग्रा जो है वो 1 से 2 घंटा सेक्सुअल एक्टिविटी के पहले लेना चाहिए। नंबर दो का प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा लिया तो फायदा होता नहीं, और वो वायग्रा लेने के बाद में कोई बाकी एक्टिविटी में मशगूल नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे वायग्रा ले लिया फिर टीवी देख रहे, गप्पे मार रहे, मतलब इधर घूम रहे, ऐसा नहीं है। वायग्रा लेने के बाद में आप वो स्पेस में होना चाहिए, सेक्सुअल एक्टिविटी के में, सेक्सुअल एक्साइटमेंट, सेक्सुअल विचार, वो स्पेस में, मेंटल स्पेस में होना चाहिए। नंबर तीन, वायग्रा जो है वो एक दिन में एक ही बार लेना चाहिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 100 मिलीग्राम का डोज लेते हैं, 100 मिलीग्राम का तो ठीक है, 50 मिलीग्राम की गोली आती है, 100 मिलीग्राम की गोली आती है, 25 की आती है। कुछ कुछ लोग रेयर केस में वो 200 200 मिलीग्राम लोग लेते हैं और उनको फ़ायदा होता है, मगर यूजुअली 100 मिलीग्राम से फ़ायदा नहीं हुआ तो 200 मिलीग्राम से फ़ायदा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। टाराफिल जैसी गोली है वो आप 10 मिलीग्राम 20 मिलीग्राम में आते हैं वो आप ले सकते हैं, 10 और 20 मिलीग्राम। फिर वायग्रा लेने के बाद में यदि, चौथा पॉइंट, वायग्रा लेने के बाद में यदि इरेक्शन 4 घंटे से ज़्यादा टिक रहा है, ज़्यादा है 4 घंटे से ज़्यादा, तो डेफिनेटली डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, क्योंकि वो प्रायपिज्म हो सकता है और वो खतरा हो सकता है पेनिस के लिए। नंबर पाँच, यदि आपको सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी है, और सिकल सेल एनीमिया मतलब RBC रेड ब्लड सेल की बीमारी रहती, वो तो बीमारी है, या मल्टीपल मायलोमा है, या ल्यूकेमिया है मतलब कैंसर ऑफ ब्लड सेल्स, तो वायग्रा नहीं लेना चाहिए। नंबर छः, आपको यदि पेट का अल्सर है या आपको कुछ ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली वायग्रा नहीं लेना चाहिए। वायग्रा वही लोगों में काम में आती है जो लोगों में सेक्सुअल विचार, सेक्सुअल एक्साइटमेंट वो आया हुआ है, जिनमें विचार ही नहीं, इच्छा ही नहीं है सेक्स की, बिल्कुल इच्छा ही तैयार नहीं हो रही है, सेक्सुअल डिजायर ही नहीं है, विश नहीं है, तो वायग्रा काम नहीं करेगी। सेक्सुअल एक्टिविटी है मगर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, तो वायग्रा का काम यह है कि ब्लड वेसल जो है वो एनलार्ज करना, बड़ी करना और फ्लो बढ़ाना पेनिस में, और फ्लो यदि बढ़ जाता है तो पेनिस टाइट हो जाता है, तो वायग्रा का काम यह है। और वायग्रा के लिए ये आपने सूचना है या एडवाइस इसका पालन किया तो डेफिनेटली वायग्रा एक असरदार साबित हो सकती है। कि वायग्रा का इफेक्ट ज़्यादा आने के लिए आपने स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, आप हेल्दी होना चाहिए, फिट रहना चाहिए, जोड़ों में दर्द है, पीठ में दर्द है, कोई बीमारी है तो फिर उसमें भी वायग्रा काम नहीं करेगी, और आपने रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। वायग्रा औरतों के लिए कुछ काम का नहीं है, उनको कुछ फ़ायदा होता नहीं, क्योंकि वायग्रा इसेंशियली ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और वैसा कुछ रोल फीमेल्स में रहता ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।